एक मिनट क्या? So how are you, my fellas? It's a boy not so chatty here. और स्वागत है आप लोगों का लॉकडाउन ब्लूज़ के सेकेंड पार्ट में. अब पिछले वाली वीडियो में मैं कुछ चीज़ें कवर करना भूल गया, क्योंकि मैं अपने मेरे पिछले वीडियो में मेरे को ये वो व्यूज़ नहीं मिले, कमेंट नहीं मिले, ये वो भाई देख लो के चक्कर में मैं कुछ पॉइंट्स मिस कर गया. सो नो वरीज, इस वाले वीडियो में कवर करेंगे. तो लेट अस बिगिन. अब जो बहुत सारी चीज़ें और छूट गई है हमारी, वो है बाहर की लजीज चटर पटर चीज़ें, जैसे कि तंदूरी मोमो, ग्रेवी मोमो, बिरयानी हैदराबादी और मुरादाबादी दोनों, पिज़्ज़ा हट और बहुत सारी चीज़ें जो जिनका मैं लिस्ट बनाते बनाते थक जाऊंगा. अगर घर का खाना से तुम बोर हो जाते हो तो तुम्हारे पास कुछ तो होता है ना ऑप्शन कुछ और खाने का. अब जब वो भी बंद हो गया है लॉकडाउन में, तो लोग कितने बोर हो गए हैं, बहुत बोर हो गए हैं. इसलिए लॉकडाउन में लोग क्या कर रहे हैं टाइम पास करने के लिए, टिकटॉक वीडियो बनाने के अलावा लोग टाइम पास करने के लिए घर बैठे ही स्नैक्स बनाना सीख रहे हैं, जैसे कि मैं. हाँ, मैं भी आता हूँ, क्योंकि मैं भी घर का खाना खा के बोर हो चुका हूँ अब. ये ऐसी बात नहीं कि मुझे घर का खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जैसे कि ये वाला कॉमन है, करेले की सब्ज़ी, फिर आता था उतना कॉमन नहीं है, लौकी की सब्ज़ी. यस, अगर इन ऑप्शंस को अवॉइड करना है तो कुछ तो होता था हमारे पास चटर पटर खाने के लिए, लेकिन अब लॉकडाउन में वो भी बंद हो गया. जैसे मैं बार बार अब ये पॉइंट रिपीट नहीं करने वाला यार, बंद हो गया. सही में मैं बोर हो गया हूँ घर का खाना खा के. मेरे को घर बैठे पास्ता से काम चलाना पड़ रहा है. अब पता नहीं पास्ता का स्टॉक कब तक चलेगा. और पास्ता के अलावा हम सबकी फेवरेट मैगी से भी काम चलाना पड़ रहा है. क्या करे, दुकानें कभी कभी खुलती है तो उसमें जो भीड़ एकदम से खड़ी हो जाती है ना मैगी के लिए, और नहीं घर पे घर बैठे स्नैक्स बनाने के लिए, भाई मैं तो मेरे को फिक्र नहीं दे सकता कितने लोग खड़े होते हैं. फिर आता है मेरे पसंदीदा प्लेटफॉर्म यूट्यूब. अब हाल ही में क्या कर दिया यूट्यूब वालों ने कि अब क्योंकि लोग घर बैठे बैठे यूट्यूब ही मोस्ट प्रॉब्ली चलाएंगे, और पता नहीं कौन से साइट चलाएंगे, लेकिन ज़्यादातर तो यूट्यूब ही चलाएंगे. तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बैंडविड्थ बढ़ा दी. तो अब जहाँ मेरे पास 1080 पिक्सल में वीडियो चलती थी, अब वो घट गई है 480 पिक्सल पे. अगर मैं हाई क्वालिटी वीडियो बनाऊं, तो वो 480 पे ही आके मरेगी. हैशटैग हार्ड वर्क गॉन वेस्ट. नहीं यार, अगर मेरे पीसी की औकात है 4K की वीडियो चलाने की, तो और मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं जिन्हें मैं 4K में अभी अपलोड कर लूँ, तो ज़्यादा डेटा जाएगा नहीं मेरा. लेकिन यूट्यूब वालों ने बैंडविड्थ बढ़ा दिए, जिसके चक्कर में 480 पिक्सल पे ही आके हमारी फ़ोन की वीडियो ग्राफिक्स आके मरेंगी. यस, और इससे बढ़िया क्या हो सकता था. और अगर यही सब काफ़ी नहीं था, तो अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें
मैं लिटरली बोर हो चुका हूँ। मेरे को समझ नहीं आता कभी कभी कि मैं क्या देखूँ यूट्यूब पे, कौन सी वीडियो देखूँ। लॉकडाउन के समय से पहले मेरा मन कभी कभी उछलता था कि चलो कोई नहीं देख रहा है, पढ़ाई के बीच में एक बार चोरी छुप के यूट्यूब पे कोई वीडियो ही देख लेते हैं, वॉक थ्रू डॉट exe कोई भी। लेकिन अब सही में कंफ्यूजन हो खड़ी हो गई कि कौन सी वीडियो देखे, क्या देखे ऐसा यूट्यूब पे। घर तो पे तो खाली बैठ गए हैं, काम वाम कर लिया, एंटरटेनमेंट का टाइम आया, और जैसे ही आया हाथ में फ़ोन तो एकदम से ब्लैंक। क्या देखे पता नहीं, स्क्रॉल करते रहो, उसमें ही आधा वक्त निकल गया। फिर जब शाम हो जाता है 2 बजे से शाम, तब पता चलता है कि भाई समय बर्बाद। फिर इंस्टा पे एक ट्रेंड चला था, नहीं शायद इंस्टा पे नहीं चला, लेकिन मैंने तो इंस्टा पे ही चला था, एक ट्रेंड चला था जिसमें लोग अपनी फ़ोटो डाल के उसमें लिखते थे नीचे #, अंटिल टुमारो। अब मुझे, मैं इतना तो ट्रेंड्स फॉलो करता नहीं हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरे को नहीं समझ आया यार, मतलब करना क्या चाहते हो तुम? ये बताना चाहते हो अपने फॉलोअर्स को कि कल तक शायद मैं ज़िंदा रहूँगा, और अगर नहीं रहूँगा तो प्लीज़ मेरी यादों को संभाल के रखना, मेरे लिए कृपया करके प्लीज़। अभी जो लॉकडाउन की वजह से हम लोग घर में फंस चुके हैं, उसकी वजह से हम लोग खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, घर में ऐसे फंसे हुए हैं, बैठे बैठे शरीर पे जंग लग चुका है। तो कुछ लोग, और हाँ कुछ लोग, ना बहुत कम ना बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोग हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहे हैं वर्कआउट के, ताकि हम लोग घर बैठे बैठे थोड़ी एक्सरसाइज भी कर सके। अब मैंने ये थोड़े बहुत देखे इनके पोस्ट कि आपका डेली प्लान कैसा होना चाहिए वाइल स्टेइंग इनसाइड योर होम। मैं एक बार ट्राई करने की सोचूंगा। वैसे तो मेरा एक दोस्त है रोहन बैसाख करके, ही इज़ माई फ्रेंड, एडवाइज़र, गुरु, मेंटोर वगैरह वगैरह, वो बहुत कुछ जानता है वर्कआउट के बारे में, तो पक्का उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा, पक्का इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होगा। ये बात देखते हैं क्या कर सकते हैं इस बारे में। वैसे मैंने तो ज़िंदगी में कभी दम लगा के वर्कआउट नहीं किया, तो शायद अब सही मौका थोड़ा सा तो सा ट्राई करने की। अब मैंने अपने स्कूल वालों की ब्रांड न्यू आइडिया पे जो प्रकाश डाला था, उस वक्त मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, और वो पॉइंट ये था कि हमें 2 दिन मिले थे जब क्लास स्टार्ट हुआ था कि तुम्हें अपना प्रोजेक्ट का टॉपिक डिसाइड करना है। अब 2 दिन के अंदर जब इतना वास्ट सिलेबस है और सिलेबस एकदम न्यू है, और तुम पता भी नहीं है कि क्या क्या है और कैसे कैसे होगा, तब तुम्हें तुम्हारे अध्यापक या अध्यापक अध्यापिका पूछेंगी कि बालक 2 दिन का अवसर मिलता है, अपना विषय चुनिए जिस पर आप प्रोजेक्ट बनाएंगे। अरे पागल हो गए क्या, पहले आराम से सांस तो लेने दो, तब तो मैं सोचूंगा किस पे बनाऊंगा। और कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, इको इको इज लिट, नहीं मैं सही में बोल रहा हूँ, नो सार्कैज़म, ईको इज लिट, #, ईको इज लिट, ये ट्रेंडिंग पे चलाएंगे आज हम, #, ईको इज लिट। सही में लिट है भाई, मैं सोचता हूँ इस पे एक एक वीडियो बनाना चाहिए अलग से ईको प्रोजेक्ट पे। वैसे मैंने टीचर से प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं बनाऊंगा ईको पे वीडियो, तो देखते हैं कब बनेगा। और रही बात काम करने की, चाहे प्रोजेक्ट हो या क्लास वर्क, एक एक छोटी सी निकोची प्रॉब्लम है कि स्टेशनरी तो सब बंद है लॉकडाउन के चक्कर में, तो अगर मेरे पेन की स्याही हो गई ख़त्म, या फिर मैं जो किताब है लिखते लिखते उसमें पन्ने हो गए ख़त्म, तो फिर मैं कहाँ से लाऊंगा किताब? टीचर तो बोलेंगे हमें नहीं पता, तुम जुगाड़ करो। या सही में यार, ट्वेल्थ में के बाद बहुत सारी चीज़ें खुद जुगाड़ करनी पड़ेगी, ये मैं बता रहा हूँ अपने जूनियर्स को। मुझे उतना तो नहीं पता कि मुझे
कौन कौन अब्यूज़ दे रहे हैं, शायद एक आध दो बच्चे होंगे, मैं उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जो अभी सीनियर स्कूल में नहीं आए हैं, कि जब तुम 11th और 12th में आते हो, और ये 11th में भी होता है सिर्फ 12th के लिए नहीं, कि जब तुम 11th और 12th में आते हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें खुद जुगाड़ करनी पड़ेंगी, चाहे वो समय लॉकडाउन का ही क्यों ना हो। मैं बेसिकली जिस पेन से लिखता हूँ वो है ट्राइमैक्स, लेकिन हुआ मेरे साथ ये कि उसमें इंक ख़त्म हो गया, एकदम ख़त्म हो गया, खाली हो गया, सूख गया मेरा एकदम अंदर से, और मार्केट में और कोई पेन मिल नहीं रहा, कोई इंक पेन नहीं मिल रहा, नहीं, मैंने गलत बोला, जेल पेन नहीं मिल रहा, हमें सिर्फ बॉल पेन मिल रही है। और बॉल पेन रेनॉल्ड्स को जब 5 रुपये वाली आती है ना, ज़्यादातर वही बिक रही है, तो फिर कैसे होगा, कैसे होगा, पता नहीं। वैसे एक सच बताऊँ, ये लॉकडाउन वाला सिचुएशन और ये COVID-19 का आना, जिसके पीछे कहानी कैसे आई, मुझे थोड़ी बहुत रेजिडेंट ईविल की याद दिलाती है। उसमें भी साइंटिस्ट वायरस पे काम कर रहे होते हैं और वो अचानक से फैल जाता है और से लोग मरने लग जाते हैं, लेकिन अफसोस रेजिडेंट ईविल जैसा कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि इससे लोग जो मर चुके हैं वो वापस ज़िंदा होने रहे हैं, और यहाँ पे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स अब तक नहीं हुआ है। सो इट्स काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग। और हाँ, जो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि घर भर भर के मूवी वाली सीढ़ी आ रही है ना, उससे भले ही स्पेस भर चुका है, लेकिन अगर मेरे को यूट्यूब पे कुछ खास देखने को मिलता नहीं है तो मैं घर बैठ के मूवी ही देख लेता हूँ। और कंटेजन जैसी जो मूवी निकली थी वो मुझे इस समय के लिए बहुत रेलेवेंट लगती है, तो उसमें भी यही होता है, वायरस के ऊपर ही होता है, वायरस 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 वाला जॉनर ट्रेंड है। एक हॉरर फिल्म भी है मेरे पास, द थिंग करके। अब ये 1982 वाला द थिंग है, मेरे पास 2011 वाली नहीं है, तो और वो प्रीक्वल थी 2011 वाली, तो मैं वो देखना चाह रहा था ज़्यादा, लेकिन वो आई नहीं, तो अब 1982 वाले से काम चलाना पड़ रहा है। अब जैसे कि हम सबको पता, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, अजीब लगेगा, हम लोग सब घर पे बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं और बोर हो रहे हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक एज है मेरे पास बोरियत से बचने का, कि मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाऊँ ताकि मेरे को व्यूज़, लाइक्स और सब्सक्राइबर्स आते रहें, यही मेरे टाइम पास है और मैं ये घर बैठ के कर रहा हूँ। लेकिन एक यूट्यूबर है, और मैं इसमें रोस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक यूट्यूबर है जो मेरी तरह नया स्टार्ट किया, उसने उसका नाम है युक्ता शर्मा, और वो मेरी कॉलोनी में रहती है, और वो उसने अपनी एक वीडियो में, वो जब घर से बाहर निकलना मना है, अगर ज़रूरी काम है तभी निकलो वाला सिचुएशन है, तो वो बाहर गई और उसने एक डांस वीडियो बनाई। अब उसका चैनल कुछ खास तो ऐसा दिखता है नहीं, और ना ही उसके कंटेंट में तो दम है, लेकिन उसने घर के बाहर जो डांस वाली वीडियो रिकॉर्ड की ना, मैं सही में बताना चाहता हूँ, इट वॉज सीरियसली एन एक्ट ऑफ प्योर स्टूपिडिटी। ऐसे काम टिकटॉक वाले कर रहे हैं और उनको पुलिस खदेड़ रही है, और युक्ता शर्मा टिकटॉकर नहीं है, और उसने हरकत टिकटॉकर्स वाली की है, तो है बहुत स्टूपिड हरकत है। अब पता नहीं लॉकडाउन कितना कितने और हफ्तों के लिए लास्ट करेगा। वैसे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो May 3rd को लॉकडाउन उठवा देंगी, लेकिन अगर कुछ और बढ़ा दिया तो इसकी हम सिर्फ दुआ कर सकते हैं। 2 मिनट 2 मिनट वीडियो देखने के बाद प्लीज़ प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपने सभी इंडियन भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि 2 मिनट मेरी वीडियो देखने के बाद प्रार्थना कीजिएगा कि हे भगवान, ये सब
में जो बुरा चल रहा है ये ज़्यादा लंबा ना चले पास। अब अगर तुम लोग को आज की वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। ये मेरे हिसाब से इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सब चीज़ें जल्दी बनी है, ये वीडियो 2 दिन के अंदर, मेरी पिछले वाली वीडियो के 2 दिन के अंदर ये वीडियो बन के हो गई थी यार, और उसमें ज़्यादा मेहनत भी लगा तो फास्ट तो बने गए। हाँ लाइक मारना इसको यार, प्लीज़ लाइक मार देना। एम करते हैं पिछली वीडियो की तरह 120 लाइक्स के लिए। अपने कमेंट्स बताना तुम लोग क्या सोचते हो इस क्वारंटीन के बारे में, कैसा लग रहा है, हालात कैसे तुम लोग की तरफ वाले, और अपने सवाल पूछना। मैं एक Q&A वीडियो बनाना चाहता हूँ, मैं बार बार कह चुका हूँ, ठीक है। और ये सब करने के बाद सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, सिंसियरली सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद घंटा भी दबाना ताकि तुम लोग को पता चले कि मेरी अगली वीडियो कब आएगी। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।